दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव का परिणाम रद्द कर दिया है और उसके बाद गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार अब मेयर बनेगा। इसी के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भी अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया गया। पीठासीन अधिकारी साफ तौर पर दोषी हैं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए इस पूरे फैसले के बाद आम आदमी पार्टी लगातार रिएक्शन दे रही है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे, 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत, उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है, ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ, चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव, तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के, 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर, सोचो। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा, रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस?
कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश या अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके, पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया इन लोगों ने। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सो मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर एक दो क्वेश्चंस आपके हैं तो, वो भी एक बड़ी चीज है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था, कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे ये चुनाव। जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं ईवीएम में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव जीत